crowd feeling open. Find somebody in the. ये गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आई होप आप सभी ठीक होंगे। और जो दो तीन दिन से बारिश लगातार पड़ी थी, पता नहीं धानों में कहीं नुकसान नहीं कर दिया उसने, तो चलकर देखता हूँ नुकसान किया है कि अभी बचे रहे हैं। तो जो पिछली बारिश पड़ी थी ना, जब से हमने पानी नहीं दिया था धानों में, और रात को इतनी जोर से बारिश पड़ी थी एक रात को, तो धान और खेत तो सभी भर चुके थे। तो मैं दोबारा घर जा रहा हूँ, दादाजी ने भेजा है, क्योंकि दादाजी और दादी जी घास काटने लग रहे ना इधर, और पापा जी फ़ोन नहीं उठा रहे, तो पापा जी से क्या कराता हूँ, घास ले आए दादाजी के पास से, तो फिर चलते हैं घर दोबारा से। देखो ये धान गिर चुकी हैं, इतनी जोर से बारिश पड़ी थी, आंधी जो हवा चली थी नहीं तेज, उससे नहीं गिरे, ये गिरे हैं बारिश की वजह से। देखो सब बारिश की वजह से गिरे हुए हैं धान यहाँ पर, तो कुछ जगह धान गिरे हुए हैं और कुछ जगह धान गिरे हुए नहीं हैं, तो इसीलिए बारिश की वजह से पड़ी थी लगातार। तो रात को पड़ी थी बहुत ज़ोर से भाई, दो तीन घंटे पड़ी थी लगातार, वो भी ज़ोर से, तो धान उसके वजह से गिर गए थे। और पानी देखो इधर इस खेत में, हमारे खेत में तो सूख गया, सूख चुका है खेत हमारा तो। और इधर देखो, इधर पूरा ताला सा हो रहा, पानी पानी हो रहा है इस खेत में। तो मैं आज का ट्यूबवेल वाले खेत के पास, और देखो इस ट्यूबवेल वाले खेत के पास है ना, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही धान गिरे हुए हैं, तो चल कर दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो धान कितने गिरे हुए हैं ट्यूबवेल वाले खेत के पास, ज़्यादा गिरे हुए खेत धान, तो देखो इस साइड तो ज़्यादा गिरे हुए हैं, हवा भी चली होगी मुझे लग रहा है, इसीलिए गिरे हुए हैं ये। देखो बहुत जगह धान गिर रहे हैं हमारे, तो टीन भी भरी हुई है, और उस दिन दादाजी निकाल कर गए थे पानी और कूड़ा, देखो अब भी टीन भरी हुई है, पता नहीं कितनी टीन, भूस इससे काफ़ी बेकार हो रहा है, भूस वैसे भी हम पर कम है, और जो चरी काट के डाली थी वो भी चरी अभी सूखेगी, फिर जब जाकर कुटेगी दा। ट्यूबवेल के पास एक और खेत था, वहाँ पर भी जाकर देखते हैं, वहाँ पर भी ट्यूबवेल से दिख रहा है, वहाँ पर भी काफी धान गिरे हुए हैं। तो आज मैं खिलाई हूँ, सौरभ गया है दुकान पर, फिर वो आएगा दुकान पर, पता नहीं कितनी देर में आएंगे, पापा जी तो अभी घास लेकर जाएंगे दुकान में। तो मैं आज का हूँ ट्यूबवेल के खेत के पास, और इसमें भी काफ़ी धान गिरे हुए हैं, वहाँ से लेकर बहुत दूर तक गिरे हुए हैं, और इधर भी काफ़ी गिरे हुए हैं धान, मतलब धान तो काफ़ी गिर चुके हैं और पके हुए थे हमारे धान, पर अभी नहीं, पापा जी कह रहे थे 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक बारिश है, इसीलिए हम पहले कटवा रहे थे, 5-6 तारीख में कटवा रहे थे, तो पापा जी मना कर दिए, तो अब मौसम को देख कर कटवाएंगे हम। तो मैं चलता हूँ घर, और धान काफ़ी गिरे हुए हैं और कटेंगे ये, एक आध दिन बाद भी कटेंगे ये, पता नहीं कब कटेंगे, फिर ये पके मतलब ज़्यादा पक चुके हैं, और पहले इनमें सबसे पहले पानी सूखेगा, फिर पानी सूखने के बाद कटेंगे, फिर पता नहीं कितने दिनों में तो कटेंगे, फिर ये पिटे जाएंगे, फिर जाएंगे ये मंडी बेचने के लिए, तब बहुत टाइम हो जाएगा, कम से कम 10-12 दिन तक तो हो जाएंगे, आलू के लिए लेट हो जाएंगे पर हम। इधर तो हमारे ट्यूबवेल की तरफ जाते हैं ना, गुफा सी लगती है, गुफा में जा रहे हैं, पेड़ खड़े हैं ना सरोवर के, देखो कितने बड़े बड़े खड़े हैं, दोनों साइड खड़े हैं ना, इसीलिए गुफा सी लगती है। दादाजी और दादी तो और पापा जी चले गए घर, और मैं भी चलता हूँ, फिर मैं कह रहा था यहाँ पर रुक कर चलते हैं दादा दादी के पास, पर वो तो घर जा चुके हैं। तो मैं घर पर आ चुका हूँ, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।